देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं एक और बहुत ही डरावनी कहानी। दोस्तों, दिल्ली कैंट की उस रोड में दाखिल होते ही मेरे दोस्त प्रीतम ने कहा, भाई अभी अभी हम जिस इलाके में दाखिल हुए हैं ना, वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे भाई इस जनरेशन के होने के बाद भी तुझे इन चीज़ों पर विश्वास कैसे हो सकता है। मैं अभी यही सब बोल ही रहा था कि तभी उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, देख भाई कुछ चीज़ों को सीरियस ले लेना ही बेहतर होता है। इससे पहले कि हमारी गाड़ी कुछ और आगे बढ़ पाती कि अचानक मुझे सामने की ओर एक महिला नजर आने लगी। उस महिला के हाथ में एक दिया था। उस महिला ने अपने पूरे शरीर के ऊपर सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो उस दिए की तरफ ही देख रही थी। मौका पाते ही मैंने गाड़ी के हेडलाइट को एकदम से बंद कर दिया और उस महिला की तरफ देखने लगा। उस दिए की हल्की हल्की रोशनी में हम दोनों को उस महिला का थोड़ा सा चेहरा नजर आ सकता था। हालांकि वहां से हम उसके चेहरे को एकदम साफ साफ तो नहीं देख सकते थे, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते थे कि उसका फेस थोड़ा अजीब सा है। तभी मेरे दोस्त ने अचानक ही मुझे गाड़ी को पीछे लेने को बोला, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था और मेरी मंजिल थी जल्दी से जल्दी गाड़ी के अंदर पड़ी अफीम की कुछ चीज़ों को पहुँचाना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पुलिस की रोकथाम के बावजूद इन चीज़ों को लेकर शहरी क्षेत्रों में पहुंच जाते थे और हमें पूरे रास्ते यही डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस से मुलाकात ना हो जाए, इसलिए हम बड़ी सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहते। आज भी कुछ ऐसा ही था। मुझे डर था कि कहीं बंद पड़ी गाड़ी के आसपास हमें कोई पुलिस वाला नजर ना आ जाए, वरना हमारा जो हाल होगा वो हर किसी के समझ से बाहर होगा। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि एक बार अफीम वाले को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो फिर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बस इसी डर ने मेरे अंदर दस्तक देनी शुरू कर दी। तभी मैंने देखा कि वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला अब उल्टी चलने की बजाय उस दिए को लेकर हमारी तरफ बढ़ रही थी, और अब मुझे मजबूरी में ही अपनी गाड़ी का गियर डालकर गाड़ी को पीछे हटाना पड़ रहा था। जैसे जैसे मैं गाड़ी को पीछे हटा रहा था तो वो महिला हमारी ओर चलती आ रही थी। अब तक तो उसका चेहरा भी मुझे थोड़ा साफ साफ नजर आने लगा था क्योंकि वो पहले जितनी दूरी पर थी अब वो उससे बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई थी, और अब उसका चेहरा भी मैं और भी साफ तरह से देख सकता था। मुझे पहले मेरे दोस्त प्रीतम ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने अपने दोस्त प्रीतम को पकड़ते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, पागल वागल है क्या, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। मेरी लफ्ज सुनकर प्रीतम एक पल के लिए मेरी तरफ देखते बोला, भाई तुझे दिखाई नहीं देता सामने से कौन सी बला हमारी ओर आ रही है। मैं भी इस बात से अच्छी तरह से परिचित था कि सामने की तरफ आने वाली एक कयामत है जिसके डर और खौफ ने हम दोनों को और भी ज्यादा डरा कर रख दिया है। मैंने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे पीछे करना शुरू तो किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को पीछे चलने में भी दिक्कत होने लगी थी। तभी मैंने एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबाया, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो गाड़ी किसी वाट की वजह से एक जगह पर ही रुक गई थी। मैंने गाड़ी की एक्सीलेटर को और भी जोर से दबाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चलने के बजाय एक ही जगह पर आवाज करके एकदम से बंद पड़ गई। फिर मैंने दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। बार बार चाबी घुमाने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि या तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया है या फिर इंजन में कोई समस्या आ गई है। ऐसे में गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे इस चीज़ को देखना था, लेकिन सामने कयामत का एक तूफान खड़ा था जिसके डर ने मुझे अंदर से दहला दिया था। अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं गाड़ी से नीचे उतर कर गाड़ी के बोनट को खोल दूँ, क्योंकि अब तक वो महिला मेरी गर्दन दबोच लेती, तो ऐसे में मैंने गाड़ी के अंदर बैठे रहना ही बेहतर समझा। मेरे दोस्त प्रीतम का भी हाल बहुत ही बुरा था, लेकिन मैंने उसे भी किसी तरह समझा कर अपने बगल में बैठा कर रखा। धीरे धीरे वो औरत हमारी गाड़ी के एकदम पास आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करने वाली है वो। कहीं ना कहीं वो हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाने वाली थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था हुआ उसका बिल्कुल उल्टा।
वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल बगल से निकलते हुए पीछे चली गई। मैं उसे विंडो में देखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वो सिर्फ रियल में दिखाई दे सकती थी। जैसे हम उसे कांच में देखने की कोशिश करते तो वो हमारी आंखों से गायब हो जाती। इसका मतलब साफ था कि हमारे सामने से गुजरने वाली वो औरत एक पिशाचनी थी जिसको पार पाना हमारे बस में नहीं था। तभी मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ये कम करते हैं, हम गाड़ी से उतरकर बोनट को खोलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। अगर बोनट के अंदर कोई मिस्टेक मिलती है तो हम जल्दी से जल्दी उसे ठीक करके यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वो औरत भी आगे निकल चुकी है। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त ने भी गर्दन हिलाई और हम दोनों तुरंत ही अपने अपने तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गए। जब हमने पीछे की तरफ उस औरत को देखने की कोशिश की तो वो दूर दूर तक हमें कहीं भी नज़र ही नहीं आ रही थी। एक बार के लिए हमें चैन की सांस मिली और उसके बाद हम दोनों सीधा बोनट के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन हमें क्या मालूम था कि एक बला टलने के बाद दूसरी बला खुद ही हमारे आसपास मंडराने लगेगी। हम दोनों अभी बोनट के अंदर कुछ चैकी कर रहे थे कि अचानक से हमें ऐसा लगा कि उस घनघोर सन्नाटे में कोई अपने कदम पटकते हुए सड़क पर बिछे हुए सूखे पत्तों को कुचल रहा है। जैसे हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि वहां पर एक आदमी था जिसके हाथ में एक लालटेन थी। उस आदमी की उम्र 40 से 45 के लगभग लग रही थी और वो उस लालटेन की रोशनी में हमारी तरफ आ रहा था। ऊपर से उसके कपड़े खुले हुए थे और उसने अपने पूरे बदन के ऊपर अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। हम दोनों एक बार के लिए खामोश हो गए और फिर वो हमारे बगल में आकर खड़ा हो गया। तभी मैंने अपनी गर्दन उठाई और उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर उसने ही हल्की सी आवाज़ में कहा, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि एक बार के लिए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों अंदर से दहल उठे। फिर उसके बाद हमने उस आदमी को कहा, भाई साहब वो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसीलिए हम अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। तभी उस आदमी ने कहा, तुम दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाओ या इसे छोड़कर भाग निकलो, क्योंकि उसके आने का समय हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं एक बार के लिए हैरत में पड़ गया कि वो किसकी बात कर रहा है। तभी मैंने उस आदमी को बोला, आप किसकी बात कर रहे हो और आप इतनी रात को इस तरह कपड़े खोलकर सड़क पर क्यों भटक रहे हो? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, लगता है तुम इस इलाके में नए हो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। मेरा इशारा पाकर उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 25 सालों से इसी सड़क पर इसी तरह भटकता हूँ और हमेशा उस तांडव को देखता हूँ। जब वो आएगी तो चारों तरफ दहशत मच जाएगी, इसलिए तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ दो और तुरंत ही यहाँ से निकलो। दोस्तों उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये कोई चोर होगा और गाड़ी चुराने के लिए इसने कोई तरकीब बनाई है, इसलिए मैं थोड़ा सावधान हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह के रास्तों पर लोग फ्रॉड करके गाड़ी को उठा लेते हैं। ऐसे में मुझे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, तो मैंने अपने दोस्त के कान में भी उसे यही बताया। मेरी बात सुनकर वो भी थोड़ा सावधान तो हुआ, लेकिन उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत का साया है जो हमें खतरे में डाल सकता है। तो ऐसे में हमें तुरंत यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे जल्द से जल्दी गाड़ी को ठीक करके यहाँ से निकलना ही बेहतर लगा। ऐसे में मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने जल्दी जल्दी बोनट के अंदर किसी मिस्टेक को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि गाड़ी के अंदर सब कुछ एकदम सही लग रहा था। हमसे इधर उधर की बातें करने के बाद वो आदमी चुपचाप वहाँ से निकल लिया। मुझे उस आदमी का ये बिहेव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लग गया। फिर मैंने काफ़ी बार अपनी गाड़ी के इंजन में कोई समस्या ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन एकदम सही सलामत लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त को गाड़ी में बैठकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा, पर इस बार जैसे उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो फिर से वही हरकतें होने लगी। इस बार भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ अगर हम अपनी गाड़ी को अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर गाड़ी चोरी होने का खतरा है, और अगर हम यहीं पर रुके रहते हैं तो फिर हमें भूत प्रेत जैसी ताकतों से एक अजीब सा डर लगता है। तो ऐसे में मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर रुकते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा,
कम से कम हम अपनी गाड़ी के लिए तो लड़ सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसने भी हामी भरी और उसके बाद हम गाड़ी में ही आकर बैठ गए। हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी कोई गाड़ी वाला यहाँ पर आ जाए और इस सुनसान पड़े रास्ते में हमारी मदद करे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा अब तक तो हमने दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं देखी थी। सारी उम्मीदें बिखर जाने के बाद मैं और मेरे दोस्त गाड़ी की सीटों पर जाकर आराम करने लगे। हम चाहते थे कि हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके सो जाएं ताकि हमें किसी भी चीज़ का एहसास ना हो। फिर हमने ऐसा ही किया, हम दोनों सीट पर जाकर आराम करने लगे। लेकिन लगभग आधा घंटा बीतने के बाद हमें महसूस हुआ कि कोई अपने पैर की आवाज़ के साथ हमारी ओर आ रहा है। एक बार के लिए हम दोनों ही डर के मारे सिंघर उठे। पहले तो हमें लगा कि हो सकता है कि ये चोरों की कोई नई स्कीम हो, लेकिन फिर जब हमने उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो पहले तो हमें वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया, लेकिन फिर हमारी नज़र एक औरत पर पड़ी तो हमने देखा कि ये औरत बिल्कुल उसी तरह से दिखती थी जिस तरह की औरत को हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हालांकि ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो कोई दूसरी औरत थी, लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने बताया था उसकी एंट्री भी वैसे हुई थी। वो कभी हमें अपनी गाड़ी के बोनट के सामने नजर आ जाती तो कभी एकदम से गाड़ी के पिछले हिस्से के पास चली जाती। उसकी हरकतें किसी भूत प्रेत से कम नहीं थी। अब तो मुझे भी समझ में आने लगा था कि हमने गाड़ी के अंदर रुककर बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया है। शायद हमें उस आदमी की बात को मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं माना और अब उसका अंजाम हमारे सामने है। फिर बाद में मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी का शीशा मत उतारना, क्योंकि अगर हमने गलती से भी गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया तो वो औरत गाड़ी के अंदर पहुंच जाएगी और फिर हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। इधर मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हम दोनों की सोच से परे था। अचानक ही गाड़ी का कांच एक एक करके टूटने लगे। हालांकि मेरी और मेरे दोस्त की किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों उन कांचों से बचे हुए थे। अब तक तो एक भी कांच ने हमारे शरीर पर कोई खरोंच भी नहीं दी थी, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहता तो फिर वो वक्त दूर नहीं था जब हम दोनों ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते। बाद में मैंने किसी तरह से दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने भी मेरे पीछे पीछे उतरना बेहतर समझा और फिर हम दोनों किसी तरह से गाड़ी से नीचे उतरने के बाद सरपट भागने लगे। हम दोनों भागते भागते यही सोच रहे थे कि हम किस जगह पर जाकर रुकेंगे, क्योंकि ये रास्ता इतना खराब था कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था। अभी हम दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ से थोड़ा आगे पहुँचे ही थे कि मुझे सामने की ओर एक बूढ़ा आदमी नजर आने लगा। दरअसल इस आदमी ने भी उस पहले वाले आदमी की तरह अपने पूरे शरीर पर अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। फिर जब मैं उसके पास पहुँचा तो उस आदमी ने कहा, तुम्हें पहले ही चेतावनी मिली थी तो तुम लोगों को वहाँ नहीं रुकना चाहिए था। अब वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। फिर उस आदमी ने थोड़ी देर रुककर कहा, तुम लोगों को डरने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए, और हाँ, गलती से भी किसी रोशनी वाले दरवाजे में मत चले जाना। जिस तरफ अंधेरा हो उसी तरफ जाना, क्योंकि ये काली शक्ति अक्सर विपरीत प्रभाव डालती है। उस आदमी की बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और फिर हम दोनों भागने लगे। फिर मैंने देखा कि मुझे सामने एक तरफ रोशनी का रास्ता नजर आ रहा था और दूसरी तरफ एक अंधेरी नगरी थी। पहले तो मेरा मन किया कि मैं इस रोशनी वाले रास्ते में चला जाऊं ताकि मेरी जान बच सके, लेकिन फिर मुझे उस ताऊ की बात याद आ गई। दरअसल उस ताऊ ने बताया था कि हमें किसी भी रोशनी वाले इलाके में नहीं जाना है, वरना हमारी जान से सौदा हो जाएगा। इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी उस अंधेरी नगरी की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। किसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर हम उस अंधेरी नगरी में पहुंच गए। जैसे हमने उस अंधेरी नगरी को एकदम करीब से देखना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि ये अंधेरी नगरी सच में भयानक अंधेरे से घिरी हुई थी। इसके अंदर चारों तरफ के दृश्य को देख पाना भी मुश्किल होता था। किसी तरह से हमने अपने आप को संभाला और लगभग 3 घंटे वहीं पर भटकते रहे, और उसी अंधेरी नगरी में भटकते भटकते हम दोनों की आंखें भारी होने लगी। फिर हमने अपनी आंखें खोली तो हमें महसूस हुआ कि हम किसी बिस्तर पर पड़े हुए थे, लेकिन आंख खोलने के बावजूद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे पता चला कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो चुका हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों पर जमीन खिसक गई। फिर बहुत सारे डॉक्टर से सलाम मशक्कत करने के बाद मुझे पता चला कि मैं देख तो पाऊंगा
लेकिन उसके लिए मुझे एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी और मेरी आंखों की रोशनी लौट आएगी। लेकिन दोस्तों, मेरी जिंदगी में अब तक एक कयामत खड़ी हो गई थी। दोस्तों, सच कहूँ तो मैं और मेरा दोस्त लगभग 3 साल तक इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहे। हमने अपनी आंखों का इलाज तो करवाया, लेकिन 3 साल के लिए हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों की बातों में सहमति जतानी चाहिए, वरना अक्सर भूतों के बताए हुए रास्ते आपको अंधेरे में ही धकेल देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।